झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के चौथे दिन भी हंगामा जारी रहा। सदन के बाहर और भीतर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी वार पलटवार हो रहा है। राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर एक तरफ बीजेपी सरकार पर हमलावर है तो सत्ताधारी दल भी मणिपुर के मामले पर बीजेपी को घेर रही है। वहीं हो हंगामे के बीच आरोग्य इंटरनेशनल विश्वविद्यालय विधेयक 2023, सीवी रमन ग्लोबल यूनिवर्सिटी विधेयक 2023, कारखाना झारखंड संशोधन विधेयक 2023 के साथ झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि संशोधन विधेयक 2023 सदन से पारित हुआ है। इस बीच जैसे ही इन चार विधेयकों को सदन के पटल पर रखने की शुरुआत हुई तो इसके विरोध में बीजेपी के विधायक सदन के वेल पर आ गए और हंगामा करते हुए सदन का बहिष्कार कर बाहर चले गए। सबसे पहले प्रभारी मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने आरोग्यम इंटरनेशनल विश्वविद्यालय विधेयक 2023 को सदन के पटल पर रखा, जिसे प्रवर समिति में भेजने की सुविधा की तरफ से अपील की गई है, लेकिन ध्वनि से यह बिल पास हुआ है। वहीं कार्यवाही के दौरान मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कारखाना झारखंड संशोधन विधेयक 2023 सदन पटल पर रखा और कुछ बिंदुओं को उठाते हुए आजसू विधायक लंबोदर महतो ने प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव दिया, लेकिन ध्वनि मत से यह बिल भी पास हुआ। विधानसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र आज चौथे दिन भी हंगामेदार रहा। मणिपुर मामले को लेकर जहां सरकार विपक्ष को घेरती नजर आई, वहीं विपक्ष भी राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर, राज्य में अराजकता की स्थिति को लेकर हेमंत सरकार को घेरती नजर आई। हालांकि इस बीच कई महत्वपूर्ण विधेयक भी आज सदन में पास हुए हैं, कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है और सबसे जो खास बात रही है कि कई ऐसे विधेयकों को आज पास किया गया है जिससे कहीं ना कहीं जन सरकार का जो लाभ है वो जुड़ा हुआ है। हालांकि हंगामेदार भी रहा आज का पूरा सत्र और बीजेपी के जो विधायक हैं वो प्रदर्शन करते हुए नजर आए, वो बहिष्कार करते हुए बाहर जाने की कोशिश भी करते नजर आए, लेकिन सदन की जो खास बात रही वो ये रही कि आज कुछ महत्वपूर्ण जो विधेयक हैं वो पास हुए हैं। आपको बता दें कि आज झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र का चौथा दिन भी हंगामेदार रहा। पक्ष और विपक्ष दोनों की ओर से वार पलटवार का दौर जारी रहा, जहां पक्ष मणिपुर मामले को लेकर विपक्ष को घेरता नजर आया, वहीं विपक्ष भी हेमंत सरकार को राज्य में जो कानून स्थिति है, अराजकता का जो माहौल है राज्य में, उसे लेकर विपक्ष की ओर से भी हेमंत सरकार को घेरने की कोशिश की गई। और जब तमाम विधेयकों को सदन के पटल पर रखने की कोशिश हुई, इस दौरान भी जो बीजेपी के विधायक थे वो वेल में उतर आए और जितने भी वहां पर विधेयक पास होने थे उसका बहिष्कार करने की कोशिश की गई। लेकिन खास बात ये रही आज सदन की कार्यवाही की कि आज जो महत्वपूर्ण विधेयक थे वो पास हुए। तो आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा का चौथा दिन भी आज हंगामेदार रहा। पक्ष और विपक्ष दोनों की ओर से वार पलटवार का दौर देखने को मिला। हालांकि महत्वपूर्ण बात यह रही कि आज कुछ महत्वपूर्ण विधेयक भी हैं वो पास हुए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाता मदन का, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और आज चौथे दिन सदन में क्या कुछ कार्यवाही हुई है ये जानने की हम कोशिश करेंगे अपने संवाददाता से। आज जितने भी महत्वपूर्ण विधेयक पास हुए हैं उन विधेयकों का जन सरोकार से कितना लाभ होने वाला है, ये तमाम चीजों पर हम चर्चा करेंगे। तो झारखंड विधानसभा का चौथा दिन भी हंगामेदार रहा। पक्ष और विपक्ष दोनों की ओर से वार पलटवार का दौर जारी रहा। एक तरफ जहां पक्ष जो है वो मणिपुर मामले पर भाजपा को घेरती नजर आई, वहीं विपक्ष की ओर से भी राज्य में जो कानून स्थिति है, राज्य में जो अराजकता का माहौल है, उसे लेकर विपक्ष भी हेमंत सरकार को घेरती नजर आई। और सीधे जानकारी के लिए हम रुख करेंगे मदन का। मदन, आज चौथा दिन जो रहा मॉनसून सत्र का वो हंगामेदार रहा, हालांकि इस बीच महत्वपूर्ण बात ये रही कि जो कुछ महत्वपूर्ण विधेयक थे वो सदन के पटल पर पारित हुए हैं, कौन से वो महत्वपूर्ण विधेयक रहे जो आज पास हुए सदन में? आज चौथे दिन भी सत्र जो है वो हंगामेदार रहा, प्रश्नकाल आज भी बाधित रहा, लेकिन इसी हंगामे के बीच चार महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो है विधेयक वो सदन से पास हुए हैं, जिसमें आरोग्यम इंटरनेशनल विश्वविद्यालय विधेयक 2023 है, दूसरा जो विधेयक है वो है सीवी रमन ग्लोबल यूनिवर्सिटी विधेयक 2023, और तीसरा जो है कारखाना झारखंड संशोधन विधेयक 2023, और चौथा जो महत्वपूर्ण विधेयक था वो है झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि संशोधन विधेयक।
ये चार विधेयक जो है आज विधानसभा से पारित हुए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि सदन के भीतर आज टकराहट की स्थिति बीजेपी के विधायक और जेएमएम के विधायक के बीच देखने को मिले। दरअसल लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के बीजेपी के विधायक ढुन्नू महतो ने सवाल उठाया था सुदीप बिसोनी जो कि जेएमएम के विधायक है उनके क्षेत्र की मामला का, जो है उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज के लोग जो है वहां से सैकड़ों की संख्या में हत्या के शिकार हुए हैं। तो ऐसे में सीधे तौर पर टकराहट की स्थिति देखने को मिली। लगातार विपक्ष के विधायक जो हैं वो वेल में उतरकर नियोजन नीति, स्थानीय नीति और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरते हुए नजर आई। हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही जो है दो बार बाधित हुई और प्रश्नकाल जो है पूरी तरह से बाधित रही। तो हम ये कह सकते हैं कि मानसून सत्र छोटा है, ऐसे में इसके सदुपयोग होने थे, लेकिन जिस तरह से दोनों तरफ के तल्ख जो है तेवर है, ऐसे में हंगामे जो है वो लगातार सदन के भीतर भी और सदन के बाहर भी देखने को मिल रहे हैं। इसी हंगामे के बीच सरकार अपना काम को जरूर निपटा रही है। इसी के तहत चार विधेयक जो है आज सदन से पारित हुए। मदन, आपने कहा कि प्रश्नकाल आज पूरी तरीके से बाधित रहा, लेकिन एक और चीज जो महत्वपूर्ण रही इस पूरे सदन की कार्यवाही में, वो जेएमएम के विधायक लोबिन हेमरम ने अपनी जान की सुरक्षा की गुहार लगा दी। इसके क्या कुछ सियासी मायने समझे जाए जिस तरीके से उन्होंने भरे सदन में अपनी जान की सुरक्षा की गुहार लगा दी है? बिल्कुल, देखिए लोबिन हेमरम आज सदन में ही अपने इस सुरक्षा की मांग को लेकर के स्पीकर से गुहार लगाया और कहा कि हमारी जान को खतरा है। जिस तरह से झारखंड में लगातार अवैध खनन के खिलाफ वो आवाज उठा रहे हैं, जल जंगल जमीन की रक्षा की बात कर रहे हैं, ऐसे में उन्हें ये लगता है कि जब इतने बड़े विरोध के स्वर वो बुलंद कर रहे हैं तो ऐसे में उनके जान को खतरा है। तो जो उनके घर पे भी सुरक्षा गार्ड थे वो हटा लिए गए हैं, सिर्फ दो बॉडीगार्ड ही अभी उनको फिलहाल मिला हुआ है। तो ऐसे में वो ये कह रहे थे कि राज्यपाल ये विधानसभा स्पीकर से उन्होंने गुहार लगाया कि हमने मुख्यमंत्री को और डीजीपी को और साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी पत्र लिखा है कि आखिर हमारी सुरक्षा जो है वो बढ़ाई जाए, अगर नहीं बढ़ती है तो फिर वो केंद्र तक जाने के लिए मजबूर होंगे। तो अब ये बड़ा सवाल है, कल जिस तरह से लोबिन हेमरम ने सरकार को दिशाहीन बताया और आज फिर उसी तर्ज पर सरकार के सामने अपनी सुरक्षा की मांग लगाई, तो सत्ता पक्ष के विधायक होने के बावजूद अगर उनको विधानसभा तक ये बातें लाने पड़ रही है तो अब विपक्ष भी हमलावर हुई है सरकार पर कि वो कह रही है कि ये अगर विपक्ष के विधायक सदन में सवाल उठाते तो ये चल सकता था, लेकिन जिस तरह से सत्ता पक्ष के विधायकों को भी अपनी सुरक्षा की गुहार सदन में आकर लगानी पड़ रही है तो ऐसे में समझ सकते हैं कि सरकार किस दिशा में जा रही है। और जो लोगों की सुरक्षा के दंभ भरते हैं वो जब उनके विधायक सुरक्षित नहीं है तो लोगों की सुरक्षा किसके भरोसे है ये भगवान जानते हैं। चलिए, धन्यवाद मदन हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। तो आपको बता दें कि आज झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र का जो चौथा दिन रहा वो भी हंगामेदार रहा। हालांकि इस बीच सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण विधेयकों को भी जरूर पारित किया है और सदन के पटल पर इन महत्वपूर्ण विधेयकों को आज पास किया गया। हालांकि पक्ष और विपक्ष की ओर से आज भिड़ंत भी देखने को मिली, जहां पक्ष की ओर से मणिपुर मामले पर बीजेपी को घेरने की कोशिश की गई, वहीं विपक्ष भी राज्य में जो मौजूदा कानून स्थिति है, अराजकता का जिस तरीके से माहौल लगातार राज्य में बढ़ता जा रहा है, उस पर विपक्ष हेमंत सरकार को घेरती हुई नजर आई।